मानाचा चौथा गणपती म्हणजेच तुळशीबागेतला गणपती, या गणपतीची सजावट देखील आकर्षण करणारी होती आणि या गणपतीच्या मंडळाची देखील विसर्जन मिरवणूक ही पार पडली आहे. बापाच्या विसर्जनाला सुरुवात झालेली आहे, मानाचे जे गणपती आहेत त्यांची मिरवणूक सुरुवात झालेली आहे. असंख्य लाखो भक्त या पुण्यनगरीमध्ये दाखल झालेले आहेत. काही असे वेगळे भक्त आहेत ते देखील इथं दाखल झालेले आहेत. जम्मू काश्मीरवरून हे 5 शेतकरी जम्मू काश्मीरचे पुण्यात दाखल झाले आहेत. त्यांच्यासोबत आपण जाणून घेऊया की काय नेमका उद्देश होता त्यांचा इथं यायचा. सबसे पहले स्वागत है आपका पुणे में. पुणे में किस तरह से आप यहाँ पे आए हैं और क्या इसके पीछे संकल्पना है आपकी? हाँ जी, पुणे में हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से आए हुए हैं. तो हम यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर है डोडा के जी. तो हम अपने नए टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ आए थे कि हम डोडा में क्या करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में और यहाँ हम क्या सीखेंगे. तो हमें यहाँ थोड़ा मजीद हमें कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि डोडा में हमारे थोड़ा उतनी मशीनरी नहीं है. तो यहाँ हमने देखा नए टेक्नोलॉजी से यहाँ पर हमारे काम यहाँ चल रहा है, वो हम यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है अपने डोडा में भी शुरू कर सकते हैं. 370 हटने के बाद अभी का माहौल कैसा है जम्मू कश्मीर में? किस तरह का माहौल है वहाँ पे? अभी लोग दहशत से बाहर निकल पाए हैं क्या? क्या सब माहौल है पूरा? मैं जम्मू कश्मीर डोडा से आया हूँ. मैं एग्रीकल्चर फार्मिंग करता हूँ और यहाँ पर महाराष्ट्र में हमें वहाँ से डेलीगेट भेजा गया है. वहाँ पर जो 370 हटाने से हमारे लोग जो हैं वहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं और जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो माहौल है अभी 370 हटने से यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति हैं वहाँ जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाएंगे और हमारे जम्मू कश्मीर का जो भी बेरोजगारी है वो दूर कर सकते हैं. और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें यहाँ पर मौका मिला और हम अपने जम्मू कश्मीर और भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं. जिस तरह से 370 हटा है, कई युवक जो है उन्हें रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए ऐसी कई की मांग है, तो यहाँ से क्या सीख के जाएंगे और वहाँ पे किस तरह से उसकी अमल बजावनी करेंगे आप? हाँ सर, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में हम वहाँ से आए हैं जम्मू कश्मीर से, यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेसिव खेती की जाती है और यहाँ पर जो खेती बाड़ी का करने का तरीका है वो अलग से है. जैसे लाइन सोइंग, ड्रिप सिस्टम और डेयरी फार्म, बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म लगाए गए हैं. वो हमें यहाँ पर सीखने से काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ. जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बड़ा काम करेंगे तो वहाँ पर जैसे फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, हमारा जो माल कच्चा होता है वो ज़ाया हो जाता है. लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र से, भारत सरकार से बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और वहाँ पर कारोबार खोलेंगे, हमारा रोज़गार जो बच्चों का खुल सकता है, तो हमें आशा है. गणेश उत्सव का माहौल है इस तरह से, गणेश उत्सव में आप पहली बार शामिल हुए होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमारा जो गणेश जी का हमारे डीसी साहब ने प्रोग्राम बनाया और इसी गणेश जी के चरणों में हम झुक जाते हैं. और पहले हमारा यही मकसद था कि हम इसी डेट के लिए जाएंगे, लेकिन कुदरती हमारे डीसी साहब ने और एग्रीकल्चर जो हमारे अफसर थे उन्होंने इसी टाइम पर मौका दिया. खरतर एक आंकड़ा में लिखी थी का इनका उद्देश्य होता है हम आगे का जम्मू कश्मीर के बाबती में. पहले तो मैं हा गणेशोत्सवाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. जम्मू काश्मीरचा विषय हा राष्ट्रीय पातळीवरचा आहे आणि आपल्या देशाचा तो भाग आहे जो गेले कित्येक 70-80 वर्षापासून आपण जम्मू ते कन्याकुमारी आणि अखंड भारत जे म्हणत होतो, जे त्यांचे जे काही मागणे आहे ते या सरकारने पूर्ण करावे आणि ते तर आपल्याबरोबरच आहे. त्यांना म्हणजे त्यांना स्वतंत्र द्यावं आणि ते काय भारता वेगळे जाण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाही आहे, तर त्यांना आपण जे काय 10-15 दिवसापासून त्यांच्यावर जे काय आहे ते शासनाने त्यांच्या म्हणजे संमतीबरोबर त्यांच्याबरोबर बैठक करून त्यांच्या जे काही आहे आणि त्यांना त्यांचं स्वतंत्र म्हणजे त्यांना बाहेर काढावं आणि त्यांच्यावर डायलॉग करून तो विषय मार्गी लावावा. रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी ते महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत की काय काय नवीन इंडस्ट्री आहेत त्याबद्दल माहिती घेतील आणि तिथल्या सर्वप्रथम गेले 70-75 वर्षापासून टॅकलच्या तरुणांना रोजगार मिळालेला नाही. रोजगार न मिळण्यामुळे ते
आपल्या सैनिकांना दगडं मारतात, त्यांना जर रोजगार मिळाला, त्यांच्याकडे जर इंडस्ट्रीज झाली, तर हा बेरोजगारीचा प्रश्न मिटेल आणि हे सगळे अनुचित प्रकार होणार नाही. खरं तर तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी जे 5 नागरिक जे आहेत ते जम्मू काश्मीरहून पुण्यामध्ये आलेले आहेत. इथं नेमका उद्योग कसा चालतो आणि जम्मू काश्मीरमध्ये हा उद्योग कसा वाढवला जाईल याबद्दल हे प्रयत्न करणार आहेत. विवेक सोबत मी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पुणे.